स्वागत करते हैं आप लोग का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना आपको सिखाएंगे। सिर्फ दो तीन स्टेप में आप लोग को ऐसा फोटो एडिटिंग करना सिखा देंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं हमारा फोटो कैसा बना है। तो ऐसा ही बहुत ही अच्छा फोटो बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हमेशा डेली ऐसा फोटो एडिटिंग आता रहता है भाई लोग। तो चलिए बिना देर के फोटो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने रियल पिक्स को, ये रहा दोस्त हम लोग का रियल पिक्स। इस पिक्स को सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो चलिए लाइटरूम एप्लीकेशन में लेके चलते हैं इसको। तो फ्रेंड्स हम लोग का फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस फोटो बनाने के लिए हम लोग एक प्रीसेट का यूज करेंगे, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग इजीली डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए उस प्रीसेट को ले लेते हैं, जिस प्रीसेट से हम लोग एडिटिंग, ये रहा हम लोग का प्रीसेट। सिर्फ वन क्लिक में ऐसा फोटो एडिट करना सिखाएंगे दोस्तों। देखिए अगर आप लोग को प्रीसेट बनाना नहीं आता तो आप बहुत आराम से वीडियो देखिए तो इजीली समझ जाएंगे। जैसे ये रहा हम लोग का प्रीसेट। अब इस प्रीसेट के ऊपर है जो थ्री डॉट का लाइन दिख रहा है आप लोग को, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इस कॉपी सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इन सबको ऑन करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब अपने रियल पिक्स पे आएंगे और फिर से इस डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट वाले, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट सेटिंग कर देंगे, पेस्ट। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा एक क्लिक में कैसा फोटो एडिट हो चुका है। अब इसमें बिना कुछ किए हम लोग लेके चलेंगे फोटो को अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स हम लोग का फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। तब इसमें लाने के बाद सबसे पहले हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस कलर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस पर आप यहाँ से नीचे से कोई भी चूज कर सकते हैं, आपको जैसा एडिटिंग करना चाहिए। लेकिन हम इस फोटो की एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले इस कलर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसके किसी पीछे बैकग्राउंड पे छोड़ देंगे लाख। अब इसके ह्यू को अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं, देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो हम अपने हिसाब से 89 रख लेते हैं इसको, और इसको फुल्ली डिक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज। फिर इसको 34 कर देंगे। इतना करने के बाद इसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसका सेचुरेशन हल्का सा बढ़ा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब बढ़ा लेंगे, क्लियरिटी भी। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ड्रॉ टूल में जाके फोटो को सेव कर लेंगे। अब इस फोटो को सेव करने के बाद हम लोग सबसे पहले अभी इस फोटो को फेस स्मूथ करने के लिए लेके चलेंगे अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। ये रहा हम लोग, इसमें आने के बाद सबसे पहले आप लोग इधर सेटिंग पे आइए। इधर सेटिंग पे आने के बाद इस वाले ब्रश को चूज करेंगे और इसका आप लोग देख लीजिए फ्लोक रखेंगे 7 और इसको रखेंगे 9। अब इसको फेस जूम कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं स्मूथ हो रहा है। Thank you.
फ्रेंड्स, हम लोग अपने फ़ोटो को स्मूथ कर लिए हैं। अब आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इधर भी इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। और इधर फेस पर भी थोड़ा सा दाग टाइप दिख रहा है। आप लोग आराम से करेंगे, थोड़ा सा भी दाग नहीं आएगा किधर भी। अब इस फोटो को हम लोग सेव करके लेके चलेंगे अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप लोग हमारे नए इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम लोग इस टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेलेक्टिव पे जाएंगे। और जो हमारे इस फेस पे इधर पड़ा है सही टाइप अंधेरा टाइप, इसको लाइट दे बढ़ा लेंगे। ओके कर लेंगे, फिर इसे सेलेक्टिव पे जाएंगे। इधर जो दिख रहा है इसको बढ़ा लेंगे। अब आप लोग देख ही सकते हैं आफ्टर बिफोर। अब इस फोटो को सेव करने के बाद लेके चलेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम लोग ऐड वाले फ़ोटो पर जाएंगे, जिसमें जो हम लोग PNG लगाए हैं उस PNG को लगाएंगे। एक मिनट, हम PNG को ले लिए हैं अपने इस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो इस PNG को लेने के बाद अब इसको इधर रोटेट करके ब्लेंडिंग पे आके स्क्रीन कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे। इसको स्क्रीन करने के बाद एक इधर लगा लेंगे, थोड़ा इसका साइज को बढ़ा देंगे, एक इधर लगा लेंगे, फिर एक डुप्लीकेट बना के इस साइड और एक और डुप्लीकेट बना के इधर। इतना लगाने के बाद अब इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको भी उसी तरह ब्लेंड करके स्क्रीन कर लेंगे और इसका थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद ओके कर देंगे। और इसका पत्ती का एक और डुप्लीकेट बनाएंगे और इधर लगा लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोटो एडिट हो चुका है। इसमें लाइट PNG लगाना है तो लाइट PNG को ले लेते हैं। रुक जाइए, तो फ्रेंड्स हम लाइट PNG को ले लिए हैं। अब इस लाइट PNG को भी इसी तरह रोटेट करके ब्लेंडिंग करके स्क्रीन कर देंगे और इसका यू को बड़ा करके इधर इधर लगा लेंगे। लगाने के बाद ओके कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो एडिट हो चुका है। अगर आप लोग चाहें तो टूल्स वाले ऑप्शन पे आके इसका सेचुरेशन बढ़ा सकते हैं, यू को भी इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम अपने फ़ोटो को सीधे ड्रॉ टूल में ले जाके सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की फ़ोटो एडिटिंग? आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।